हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका बजट 50,000 से लेकर 80,000 रुपये की रेंज है और इस रेंज में कोई आप अच्छा सा गेमिंग और कैमरे के लिए स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैंने आपको 10 ऐसे गेमिंग और कैमरे के लिए स्मार्टफोन बताए हैं जो कि आपको पाकिस्तान की मार्केट्स में ईजिली देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन में हमने रखा है इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स 0X Pro। यहाँ पर आपको 6.7 इंच एमोलेड डिस्प्ले के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ पैनल देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन में आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसका मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल यानी 108 मेगापिक्सल है, 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो जो कि आपको 5x ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करता है, उसके अलावा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन्स के साथ आप वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत सी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर आप 4K रिकॉर्डिंग 30 FPS के साथ कर सकते हैं। 16 मेगापिक्सल सेल्फी के साथ इस स्मार्टफोन में आपको जो चिप देता है वो है मीडियाटेक का Helio G95 1211M के साथ, Mali G76 के साथ। ये स्मार्टफोन आपको RGB 128GB वाला अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ 4500mAh बैटरी के साथ 45W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और इस स्मार्टफोन को आप पाकिस्तान की ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट से 48,000 रुपये में परचेज कर सकते हैं और ये स्मार्टफोन आपको ऑल पाकिस्तान की मार्केट्स में अवेलेबल देखने को मिल जाता है। नंबर टू में हमने रखा है पोको का Poco X3 Pro। यहाँ पर आपको 6.67 इंच IPS LCD डिस्प्ले के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट वाला पैनल देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन में आपको बैक साइड में प्रोटेक्शन Gorilla Glass 6 के साथ देखने को मिल जाती है। अगर बात करते हैं कैमराज की, यहाँ पे आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मार्को प्लस 2 मेगापिक्सल टैप सेंसर के साथ। इस स्मार्टफोन में आपको 20 मेगापिक्सल सेल्फी देखने को मिल जाती है। अगर बात करते हैं चिपसेट की, तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 860 देखने को मिल जाता है, GPU Adreno 640 के साथ। ये स्मार्टफोन आपको 6GB 128GB वाला वेरियंट 5160mAh बैटरी के साथ 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और इस स्मार्टफोन को आप पाकिस्तान की ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट से 48,500 रुपये में परचेज कर सकते हैं। नंबर थ्री पे हमने रखा है ओप्पो का Oppo Reno 3 Pro। यहाँ पे आपको 6.4 इंच सुपर एंड्रॉइड डिस्प्ले के साथ बैक साइड में प्रोटेक्शन Gorilla Glass 5 के साथ देखने को मिल जाती है। इस स्मार्टफोन में आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसका मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल है, 30 मेगापिक्सल टेलीफोटो 5 ऑप्टिकल जूम के साथ। इस स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल ब्लैक एंड वाइट सेंसर देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन में आपको फ्रंट में डुअल सेल्फी देखने को मिल जाती है, जो कि 44 प्लस 2 मेगापिक्सल। इस स्मार्टफोन में अगर मैं चिपसेट की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक का Helio P95 देखने को मिल जाता है 1211M के साथ, GB Power VR के साथ। ये स्मार्टफोन आपको RGB 128GB वाला वेरियंट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ 4025mAh बैटरी के साथ 30W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और इस स्मार्टफोन को आप पाकिस्तान की ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट से 58,000 रुपए में परचेस कर सकते हैं। नंबर फोर पे हमने रखा है Xiaomi का Mi 10T। यहाँ पे आपको 6.7 इंच IPS LCD डिस्प्ले के साथ HDR 10+144Hz रिफ्रेश रेट वाला पैनल देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन में आपको प्रोटेक्शन Gorilla Glass 4 के साथ देखने को मिल जाती है। बैक साइड में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसका मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल है, 30 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 5 मेगापिक्सल मार्को लेंस देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन के साथ आप वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 30 FPS के साथ कर सकते हैं। और जो और भी फीचर्स हैं, जायरो EIS के साथ 20 मेगापिक्सल सेल्फी देखने को मिल जाती है। इस स्मार्टफोन में आपको चिपसेट स्नैपड्रैगन का 865 देखने को मिल जाता है 7nm के साथ। इस स्मार्टफोन में आपको GPU Adreno 650 देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन आपको RGB 128GB वाला वेरिएंट साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ 5000mAh बैटरी सपोर्ट करता है 33W फास्ट चार्जिंग के साथ। इस स्मार्टफोन को आप पाकिस्तान की ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट से 61,500 रुपये में परचेस कर सकते हैं। नंबर फाइव हमने रखा है Samsung A71। यहाँ पे आपको 6.7 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ बैक साइड में प्रोटेक्शन Gorilla Glass 3 के साथ देखने को मिल जाती है। इस स्मार्टफोन में आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसका मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल है, 30 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 5 मेगापिक्सल मार्को प्लस 5 मेगापिक्सल टैप सेंसर के साथ। इस स्मार्टफोन में आपको 32 मेगापिक्सल सेल्फी देखने को मिल जाती है। अगर बात करते हैं चिपसेट की, तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 730G देखने को मिल जाता है 8nm के साथ, GPU Adreno 618 के साथ। ये स्मार्टफोन आपको RGB 128GB वाला वेरिएंट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ 4500mAh बैटरी के साथ 25W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और इस स्मार्टफोन को आप पाकिस्तान की ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट से 63,000 रुपए में परचेस कर सकते हैं। सिक्स पे हमने रखा है Poco X3 GT। यहाँ पे आपको 6.6 इंच IPS LCD डिस्प्ले के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट वाला पैनल देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन में आपको बैक साइड में प्रोटेक्शन Gorilla Glass के साथ देखने को मिल जाती है। बैक साइड में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसका मेन कैमरा 64
64 मेगापिक्सल है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मार्को लेंस के साथ। इस स्मार्टफोन में आपको 4K 30fps के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 60 मेगापिक्सल सेल्फी के साथ इस स्मार्टफोन में आपको चिपसेट मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1100 5G वाला देखने को मिल जाता है। 6nm के साथ इस स्मार्टफोन में आपको GPU माली G77 देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन आपको RGB 256GB वाला वेरियंट साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ 5000mAh बैटरी के साथ 67W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और इस स्मार्टफोन को आप पाकिस्तान की ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट से 65,500 रुपये में परचेज कर सकते हैं। 7 में हमने रखा है पोको का पोको F3। यहाँ पे आपको 6.67 इंच एमोलेड डिस्प्ले के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट HDR10 के साथ पैनल देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन में आपको प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ देखने को मिल जाती है। अगर बात करते हैं कैमरा की तो यहाँ पे आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसका मेन कैमरा 48MP है, 8MP अल्ट्रा वाइड प्लस 5MP मार्को लेंस देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन के साथ आप वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 30fps के साथ कर सकते हैं, 20MP सेल्फी के साथ। इस स्मार्टफोन में आपको चिपसेट स्नैपड्रैगन का 875G देखने को मिल जाता है 7nm के साथ। इस स्मार्टफोन में आपको GPU Adreno 650 देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन आपको RGB 128GB वाला वेरिएंट UFS 3.1 के साथ स्टोरेज प्रोवाइड करता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन आपको 4520mAh बैटरी के साथ 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और इस स्मार्टफोन को आप पाकिस्तान की ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट से 74,000 रुपये में परचेज कर सकते हैं। नंबर 8 पे हमने रखा है रियलमी का रियलमी X3 सुपर जूम। यहाँ पे आपको 6.6 इंच IPS LCD डिस्प्ले के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट वाला पैनल देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन में आपको प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ देखने को मिल जाती है। बैक साइड में क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसका मेन कैमरा 64MP है, 8MP टेलीफोटो 5 ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन में आपको 8MP अल्ट्रा वाइड प्लस 2MP मार्को लेंस देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन की जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग है वो 4K 60fps के साथ कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं सेल्फी की तो यहाँ पे आपको डुअल सेल्फी 32+8MP अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाती है। इस स्मार्टफोन में आपको चिपसेट स्नैपड्रैगन का 855+ देखने को मिल जाता है 7nm के साथ। GPU Adreno 640 देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन आपको 12GB 256GB वाला वेरियंट 4200mAh बैटरी के साथ 30W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और इस स्मार्टफोन को आप पाकिस्तान की ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट से 78,500 रुपये में परचेज कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको ऑफलाइन थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा, वरना ये आपको काफ़ी ऐसी मार्केट्स हैं जिसमें इसका स्टॉक अवेलेबल नहीं देखने को मिलता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी ब्रांड्स भी हैं, ऐसी भी ब्रांचेज हैं जहाँ से ये स्मार्टफोन आपको अवेलेबल देखने को मिल जाता है। वैसे ये स्मार्टफोन आप टेलीमार्ट और भी बहुत सी ऑनलाइन वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसको कहने का मतलब यही है कि ये स्मार्टफोन अभी भी आपको अवेलेबल देखने को मिल जाता है। यूज़ में भी आपको कहीं कहीं ये स्मार्टफोन हाई रेट के साथ देखने को मिल जाता है, लेकिन यूज़ में आप लेते हैं तो वारंटी के साथ चेकिंग करना ना भूलिएगा। अगर आपको यूज़ स्मार्टफोन किस तरह लेना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, अगर वो आप चाहते हैं तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। 9 में हमने रखा है सैमसंग का सैमसंग A52s 5G। यहाँ पे आपको 6.5 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट वाला पैनल देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन में आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसका मेन कैमरा 64MP है, 12MP अल्ट्रा वाइड प्लस 5MP डेप्थ प्लस 5MP मार्को लेंस के साथ। इस स्मार्टफोन के साथ आप वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 30fps के साथ कर सकते हैं, 32MP सेल्फी के साथ। इस स्मार्टफोन में आपको चिपसेट स्नैपड्रैगन का 778G देखने को मिल जाता है 5G 6nm के साथ। इस स्मार्टफोन में आपको GPU Adreno 642 L देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन आपको RGB 128GB वाला वेरिएंट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ 4500mAh बैटरी के साथ 25W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है टाइप सी के साथ। और ये स्मार्टफोन आपको पाकिस्तान की ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट से 78,000 से 81,000 के दरमियान में मिल जाता है। कहीं रेट इसके हाई हैं, कहीं हाई लो देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन भी बाय करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको कंपनाइज करने के बाद 78,000 से लेकर 81,000 रुपये में मिल जाते हैं। नंबर 10 में और आज का हमारा आखिरी प्राइस लिस्ट है सैमसंग का सैमसंग A72। यहाँ पे आपको 6.7 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 19Hz रिफ्रेश रेट वाला पैनल देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन में आपको बैक साइड में प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास के साथ देखने को मिल जाती है। क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है बैक साइड में, जिसका मेन कैमरा 64MP है, 8MP टेलीफोटो 5 ऑप्टिकल जूम के साथ, 12MP अल्ट्रा वाइड प्लस 5MP मार्को लेंस देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन के साथ आप वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 30fps के साथ कर सकते हैं, 32MP सेल्फी के साथ। इस स्मार्टफोन में आपको चिपसेट स्नैपड्रैगन का 720G देखने को मिल जाता है। GPU
Adreno 618 के साथ। ये स्मार्टफोन आपको 8GB 128GB वाला वेरियंट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ 5000mAh बैटरी के साथ 25W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और इस स्मार्टफोन को आप पाकिस्तान की ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट से 80,500 रुपये में परचेज कर सकते हैं। सो आई होप आज की हमारी प्राइस लिस्ट 50,000 से लेकर 80,000 के रेंज में आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी तक लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है माइंड में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इनमें से कौन सा स्मार्टफोन बता यूज़ कर रहे हैं डे टू डे यूज़ के लिए, गेमिंग के लिए, कैमरा के लिए, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।